उनके देखिए बायकॉट चाइना चिल्लाने से कुछ होना जाना नहीं, वो चिल्लाने के साथ साथ नीचे के सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा ताकि लोगों को चीजें मिले। जब तक जीवन में हर चीज के पीछे सिस्टम नहीं लगाया जाए, जब तक जीवन में हर चीज के पीछे प्रोसेस और फॉर्मेट्स नहीं आएंगे, वो चीज सफल नहीं होगी। कि वॉशिंग मशीन खरीदो तो यूजर मैनुअल मिलता है, टीवी खरीदो तो यूजर मैनुअल मिलता है, गाड़ी लो तो टेस्ट ड्राइव होती है, कोई चलाना सिखाता है, बच्चा पैदा करने का कोई यूजर मैनुअल नहीं है, उसको बड़ा करने का कोई यूजर मैनुअल नहीं है। एक अधूरा काम नहीं छोड़ो। दुनिया में सिर्फ एक आदमी की इज्जत होती है जो काम पूरा करता है। इज्जत सिर्फ उन कामों की है जो पूरे होते हैं। और कुछ ऐसा करना है कि अपने पैदा होने पर खुद को गर्व हो कि ऊपर वाले ने आपको VIP बना के भेजा है, इसीलिए उसने आपको कोई MRP छाप के नहीं भेजा। क्योंकि हार की इज्जत जितना ज्यादा करोगे ना, वो आपके सिर में बैठ जाती है। तो दुख तब आपको दुखी करता है जब आप दुख को दुखी करने का मौका देते। अरे क्या फर्क पड़ता है, सड़क पे चलते हैं गड्ढा आया, चलना बंद कर देंगे क्या? आपकी सफलता इस बात पे निर्भर नहीं करती कि आप कितना लंबा काम करते हैं, इस बात पे भी निर्भर नहीं करती कि आप कितने ज्यादा घंटे काम करते हैं, वो इस बात पे कितने घंटे काम करते हैं, कितना गहरा काम करते हैं। और जिस जगह सवाल पूछ रहे हो, डायरेक्ट सेलिंग, यही तो वो जगह है जहां पर बिना डिग्री, पैसा, स्किल, बिना किसी भी चीज के कितनी भी ऊंचाई हासिल कर सकते हैं। कई बार ये सवाल आता है हमारे पास कि डॉक्टर बिंद्रा का कोर्स करें कि डॉक्टर पाटनी का कोर्स करें। भाग्यशाली हो कि सब देश के बड़े बड़े तोप जो है आपके घर पहुंच के आपको शिक्षा देने बैठे हैं। डिस्चार्ज करने वाले आदमी से जितना दूर रहोगे आप चार्ज रहोगे। कोरोना और कोई बिजनेस या फ्रेटर्निटी के लिए क्या करेगा मैं नहीं जानता, लेकिन आप लोगों के लिए स्वर्णिम युग बन गया है। तो यदि आप एक इंसान के रूप में बिना रीढ़ के हड्डी के रह सकते हैं, तो भाई फिर आप MLM में भी बिना एजुकेशन के रह सकते हैं। जैसे आप पानी में तैरना पुस्तक पढ़ के नहीं सीख सकते, आपको पानी में उतरना पड़ता है। और आपका जो बढ़िया वाला अपलाइन है, जो आपको लगता है जबरदस्त बात करता है, सबसे इजी रास्ता तो यह है जरा उसकी फोटोकॉपी कर लो। और मेरे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है, कोई भी परिस्थिति हो जाए मैं हार नहीं मानता, और तनाव का लेवल जितना ज्यादा बढ़ता है मैं उतना कूल होता चला जाता। तो मुझे मेरा ये मानना है कोई भी आदमी हर चीज में कंप्लीट नहीं होता, और जिंदगी में जैसे जैसे आपके लेवल चेंज होते चले जाते हैं, आपके रोल मॉडल भी चेंज होते हैं। जिस प्रकार की जीवन है और जिस प्रकार आप लोगों के रोल मॉडल हैं, ये तय है कि आने वाले समय में आप पे फिल्में बनेंगी, और अगर फिल्म बने तो आप किसको हीरो के रूप में लेना पसंद करेंगे? और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी धरोहर है कि हम लोग लोगों के जीवन को छू पाते। डॉक्टर पाटनी का फेवरेट यूट्यूब चैनल कौन सा है? अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंदर वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।